19वीं सदी के डेनमार्क के मशहूर लेखक हैंस क्रिस्टियन एंडरसन ने एक बार कहा था कि वेयर वर्ड्स फेल म्यूजिक स्पीक्स, यानी जहां शब्द चुप हो जाते हैं वहां संगीत बोलना शुरू करता है। और आज विश्व संगीत दिवस के मौके पर हम आपसे इस पर भी एक छोटी सी चर्चा करना चाहते हैं। योग ही क्यों, आप योग और संगीत दोनों को अपने जीवन में फॉलो कीजिए। संगीत को कई भाषाओं और अनेकों रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन मोटे तौर पर ऐसी ध्वनि जो रस की सृष्टि करे वो संगीत कहलाती है। और इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वी पर संगीत तब से है जब से इंसानों का वजूद है। संगीत ने कई युग जिए हैं और हर युग में इसने इंसानों को जीवन की लय के बारे में बताया है। लेकिन आज 21वीं सदी में संगीत को मात्र मनोरंजन का साधन माना जाता है और म्यूजिक गेट टुगेदर, पार्टीज और दूसरे कार्यक्रमों में आजकल ज्यादा सुना जाता है। लेकिन क्या संगीत का सार सिर्फ इतना ही है कि आपके गेट टुगेदर में, आपके डिनर्स में, आपकी पार्टीज में बजता रहे, पब्स में बजता रहे? क्या सिर्फ म्यूजिक का रोल महत्व इतना ही है कि आपका मनोरंजन करे, आपको नाचने में, डांस करने में आपकी मदद करे? क्या ये सिर्फ मनोरंजन तक सीमित है? ये समझना आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है और हम इसमें आपकी मदद करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि संगीत जीवन के सुरों को सजाने में हमारे कैसी मदद करता है। संगीत, सबसे पहली बात आप नोट करके रखिए, योग की तरह ही संगीत हमें तनाव से दूर करता है। एक अध्ययन के मुताबिक शास्त्रीय संगीत सुनने से हृदय गति सामान्य रहती है और डॉक्टर भी मानते हैं कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए संगीत एक दवा की तरह है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी एक स्टडी में बताया था, जैसे कोई दवाई हमारे मस्तिष्क में बदलाव लाती है, ठीक उसी तरह संगीत भी वही काम करता है। और इसलिए कई वैज्ञानिक संगीत को कुछ मामलों में दवाइयों का विकल्प भी मानते हैं। संगीत और हमारे मूड के बीच एक अद्भुत संबंध है। जैसा संगीत सुनेंगे वैसा ही मूड बन जाएगा। असल में जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क कुछ खास तरह के स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है जो शरीर में खून के प्रवाह पर अपना असर डालते हैं और इससे डिप्रेशन और एंग्जाइटी होने लगती है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर कोई संगीत सुन ले तो यही संगीत उस व्यक्ति के लिए एक थेरेपी का काम करता है, क्योंकि संगीत हमारे मस्तिष्क का ध्यान उन बातों से भटका देता है जो बातें हमें तनाव में रखती हैं, जो बातें हमें डिप्रेशन की ओर ले जाती हैं। एक और रिसर्च कहती है कि संगीत सुनने से आप आशावादी बनते हैं और ये नकारात्मक विचारों को भी समाप्त करता है। संगीत किसी व्यक्ति की क्षमताओं का भी विस्तार करता है। आप इसे एक उदाहरण से समझिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे और एक बार उन्होंने कहा था कि वो अगर वैज्ञानिक ना बने होते तो दुनिया उन्हें संगीतकार के रूप में जानती। आज अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के लिए विज्ञान की किताबों में अमर हैं। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि इस थ्योरी से पहले उन्होंने कई हफ्तों तक खुद को एक कमरे में बंद रखा था और वो इस कमरे से तभी निकलते थे जब उन्हें पियानो बजाना होता था। यानी इस खोज में भी संगीत उनके साथ था। संगीत सुनने से आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है और डॉक्टर कहते हैं कि संगीत हमारे मस्तिष्क को एक्सरसाइज कराता है, व्यायाम कराता है। कुछ समय पहले ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी, इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा और ब्राज़ील की साओ पोलो स्टेट यूनिवर्सिटी ने भी इस पर संयुक्त रूप से एक स्टडी की थी, जिसमें पता चला कि अगर लोग ड्राइविंग करते समय और ट्रैफिक जैम के दौरान शांत संगीत सुनते हैं अपनी गाड़ियों में तो इससे वो कम तनाव महसूस करते हैं। इसलिए आप भी अगर कभी ट्रैफिक जैम में फंस जाएं तो हल्का संगीत अपनी गाड़ी में सुनिए और फिर उसका असर देखिए। संगीत की धुन हमारी हिम्मत को बढ़ाने का भी काम करती है, हमें बहादुर बनाती है, हमें जोश दिलाती है। कई मामलों में संगीत आपसी मनमुटाव, झगड़े और पारिवारिक लड़ाइयों को भी कम करने में मदद करता है। और सबसे अहम, पूरी दुनिया में संगीत को सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय भाषा माना जाता है। संगीत कई रूप में हमारे आसपास मौजूद है लेकिन आज हम इसे सिर्फ मनोरंजन के रूप में लेते हैं, जबकि पहले ऐसे नहीं होता था। भारत में, हमारे अपने देश में संगीत की शुरुआत सामवेद से मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि सामवेद संगीत का उल्लेख करने वाला दुनिया का पहला ग्रंथ है। भारतीय संगीत में जिन 7 सुरों का वर्णन है उनका आधार भी सामवेद को ही माना जाता है। भारत में संगीत और धर्म के बीच गहरा संबंध रहा है। प्राचीन युग में ओम शब्द का उच्चारण, संस्कृत के कई मंत्र और वेदों में बताए गए श्लोक हमारा संगीत भी थे और हमारी आस्था का केंद्र भी थे और आज भी हैं। हिंदू धर्म में माना गया है कि संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा हुई। ब्रह्मा ने आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ये कला देवी सरस्वती को दी
और देवी सरस्वती को वीणा पुस्तक धारणी कहकर साहित्य की शक्ति माना गया है। और इसी आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा देवी सरस्वती ने नारद को संगीत की शिक्षा दी और नारद ने स्वर्ग के गंधर्व किन्नर और अप्सराओं को ये संगीत शिक्षा दी। इसके अलावा भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे और भगवान शिव भी डमरू के साथ पूजे जाते हैं, ये भी आपने देख लिया होगा। आस्था के अलावा राजपाट में भी संगीत का बहुत महत्व रहा है। बड़े बड़े राजा और महाराजाओं के युग में भी संगीत को विरासत और संपत्ति के रूप में जाना गया। आपने संगीत सम्राट तानसेन के बारे में अक्सर सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तानसेन या रामतनु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे और उन्हें मुगल शासक अकबर के नवरत्नों में गिना जाता है। संगीत युद्ध भूमि पर भी अपना रस बिखेरता है। प्राचीन युग में युद्ध की घोषणा के लिए बड़े बड़े ड्रम्स का इस्तेमाल होता था ताकि सैनिक उसे सुनकर जोश में आए। Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.